महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उल्हासनगर शहर जिल्हा अध्यक्षा पंचम कलानी यांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी आज पत्रकार परिषद घेत उल्हासनगर शहरातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची संपूर्ण कार्यकारिणी बरखास्त केली. दिवाळीनंतर नव्याने पक्ष बांधणी होणार आहे. यात जुन्या आणि नवीन कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊन लवकरच नवीन कार्यकारिणीची घोषणा केली जाणार असल्याचे पंचम कलानी यांनी सांगितले. जैसे की आप सबको पता है की हमारे शरद पवार सर, प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल सर, आवार सर और परांजपे सर ने जो हमारे कंधों पर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और उल्हासनगर शहर का कमान हमारे कंधों पर रखा है, तो मैं आपसे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि अब तक जो भी कमेटी थी एनसीपी पार्टी की, वो आज मैं डिसॉल्व करती हूँ. और जो भी पदाधिकारी हैं हमारे एनसीपी पार्टी के, जो हमारी धामी मैम ने बनाए थे, उनको भी हम साथ में लेके, प्लस जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं दिल से, उनको भी साथ में लेके दिवाली के बाद 15 दिन के बाद हम लोग एक नई कमेटी फॉर्म करेंगे और फिर से आपको इनवाइट करेंगे. थैंक यू. धामी जी ने जिन पदाधिकारियों को पद दिए थे जी, क्या उनको भी कंटिन्यू पार्टी में पद दिए जाएंगे सम्मानित? ऑफ कोर्स धामी मैम ने काफ़ी अच्छा काम किया है और जो जो एक्टिव मेंबर्स होंगे उनके पदाधिकारी, हम उनको भी साथ में ही रख के काम करेंगे. प्लस और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं, तो हम सबका एक ही साथ कमेटी फॉर्म करेंगे. धामी जी, और आप एक साथ में बैठकर इस विषय पर चर्चा करके, कुछ किस पदाधिकारी को पद देना है, किसको ऊपर लेना है, किसको अवार्ड देना है, इस पर चर्चा करेंगे? बिल्कुल हम लोग साथ में ही मिलकर काम करेंगे. जैसे कि मैंने बोला, सोनिया मैम से भी एक मीटिंग करेंगे हम लोग और अकॉर्डिंगली हम लोग डिसीजन लेंगे. आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के उल्हासनगर शहर जिला के अध्यक्ष पंचम कलानी जी के अध्यक्षता में आज पत्रकार परिषद का आयोजन किया. इस पत्रकार परिषद में हमारे नेता संतोष पांडे जी उपस्थित रहे और इसी के तौर पर आज पत्रकार परिषद के आयोजन में पंचम कलानी जी ने के आदेश अनुसार मैं आज घोषणा करता हूँ कि जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की पहले की जो कार्यकारिणी थी वो भंग हो चुकी है और पक्ष अध्यक्ष बदलने के कारण जो पहले के जो कार्यकारिणी थी उस कार्यकारिणी में जिन जिन को भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के पद थे वो अब समाप्त हो चुके हैं. और जब अब नई जो कार्यकारिणी है वो आदरणीय पंचम कलानी जी के मार्गदर्शन में उल्हासनगर शहर में बनाई जाएगी, जहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब का मंजूरी ली जाएगी, हमारे ठाणे जिला के प्रभारी गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड़ साहब के मार्गदर्शन में और पंचम कलानी जी की अध्यक्षता में नई कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी. और नई कार्यकारिणी में जो पुराने कार्यकारिणी में काम करने वाले जो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के कार्यकर्ता थे, उनका काम अच्छा देखकर, उनके कार्यों को देखकर, उनको भी इसमें अंदर स्थान दिया जाएगा और स्थान देकर पार्टी को और किस तरीके से मजबूत बना सकते हैं और इस बार किस तरीके से महानगर पालिका पर महापौर हमारे महाविकास आघाड़ी के तौर पर कैसे होगा और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पंचम कलानी जी की अध्यक्षता में कैसे होगा, इसकी पूर्ण तरीके से पार्टी के साथ जो काम करने वाले सभी जो कार्यकर्ता है, छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं तक, सभी लोगों को विश्वास में लेकर नई कार्यकारिणी की जल्द घोषणा की जाएगी पंचम कलानी जी की अध्यक्षता में. आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.